गुलबर्गा शहर में कुछ देर की बारिश की वजह से यहां का डेवलपमेंट गंदे नाले से बहता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गली मोहल्ले में बारिश के बाद ड्रेनेज की गंदगी लोगों के घरों में घुस रही है। बेहद अफसोस की बात है, हर बार गुलबर्गा MP, साउथ MLA और नॉर्थ MLA को आवाम की परेशानी से रूबरू करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस परेशानी को हल नहीं किया गया है। गली मोहल्ले से लेकर शहर के मेन रोड पर भी ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से घर और दुकानों में गंदा पानी घुसने की वजह से लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान है तो दूसरी तरफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की लापरवाही से लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और दूसरी तरफ आजादपुर रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि डेवलपमेंट के नाम पर इतनी ज्यादा लापरवाही से काम किया गया है जिसकी वजह से आसपास के तमाम घरों में ड्रेनेज का गंदा पानी घुस रहा है। मोहल्ले के लोगों ने कहा, कुछ महीने पहले नॉर्थ MLA कनीस फातिम और दीगर कांग्रेस वर्कर्स ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर नाला प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर 30 लाख रुपए सेंक्शन कर बॉक्स कलवर्ट वर्क की शुरुआत करते नजर आए थे, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं 30 लाख रुपए खर्च कर ये काम करने के बावजूद लोग पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की नाराजगी इस वीडियो में नजर आने वाले पाइप से है जो बिल्कुल हाल ही में बनाए गए कलवर्ट के मुंह के सामने से गुजर रहा है, जिसकी वजह से नाले का मुंह बंद हो गया है और ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लगातार शुरुआत से लोगों की शिकायत थी कि इस पाइप को हटाया जाए वरना मोहल्ले की आवाम को पहले से ज्यादा परेशानी होगी। आवाम की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए पाइप को बिना हटाए गुलपोशियों के साथ 30 लाख रुपया खर्च कर इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है, जिसके बाद लोग पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस लापरवाही की वजह से आसपास के घरों में गंदा पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई लोग गंदगी को घरों में घुसता देख अपने घर को लॉक कर दूसरों के घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। तमाम लोगों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए नॉर्थ MLA से शिकायत करते हुए इस मसले पर नाराजगी जताई है। पहले जो ब्रिज था जो है ना, क्या है उसमें जो है ना पांच पाइपा थे जिसके जिसमें जो है ना पूरा कचरा जाम हो गया, एक पाइप में से पानी जाता था। अब उसको बनाने के वास्ते जो है ना क्या है तोड़ के जब बनाए तो जो है ना पहले जितना था उससे भी छोटा कर दिया उसको। और जो है ना क्या ESIC हॉस्पिटल को जो पानी पाइप जाता हो पानी का, वो पूरा बीच में आके ब्लॉक कर दे रहा। इसकी वजह से देखो घर में कितना पानी आ गया और जो है ना दूसरे एरिया में जो है ना क्या सबके पास पानी आया। पहले नहीं आता था पानी, आया तो भी थोड़ा आता था, अब बहुत ज़्यादा आ गया। तो लिहाजा ये जो भी हमारे MLA और कॉरपोरेटर जो भी हैं उनसे गुजारिश है कि इस मसले को हल करें। घर में जो पानी कैसा घुसा है? खराब हो गई, अंदर फ्रिज में पानी आया। हाँ और ये वॉशिंग मशीन खराब गई। नहीं, ये जो घुटनों तक आपके घर में पानी घुसा है ये पहली बार घुसा क्या? ये हमेशा ये पहली बार आया? ये नाली का यहाँ पूरा बंद कर दिया है, इससे पहले नहीं आया था कभी? इससे पहले ऐसा पानी नहीं आया। 3 फीट जो घर में आपके पानी घुसा, वजह क्या है इतना पानी आने की? ये पूरे नालियां बंद है, यहाँ के नाले का काम चल रहा वो बंद, सप्लाई बंद होने की वजह से ये सब उसकी मुश्किल आता है। काम जो ब्रिज का काम जो करे वो पूरा गलत करे। सो पानी आ रहा तो सही, मैं जाने का उसको रास्ता नहीं है, क्योंकि जो 3 फीट का पाइप है जो पानी का बोरल का नल का ऐसा ही जाओ जो जा रहा, उसमें खाली 1 फीट पानी जाने का से जगह रखी ना, पूरे 12 एरिया का पानी जाता है यहाँ से। अभी आप पानी कैसे खाली करें आपके घर? हम ये मशीन लगा के खाली करें, मोटर लगा के खाली। हाँ, मोटर लगा के। इस फातिमा जो मैडम है हमारे, खुसूसी तौर पे उनसे गुजारिश है मेरी, क्योंकि अब हमारे घर में तो पूरा जान माल का भी नुकसान होने को आया, पूरा माल वो सब खराब हो गया हमारा। अब हम दूसरे के घर पे जाने की नौबत आ गए रही, तो उनसे अदबंद गुजारिश है जो काम खराब हुआ है वो काम को सही करके दे दे। ये घर मेरा पानी में पूरा डूबिया, ये जो ब्रिज बनाए बेकार ब्रिज बनाए, नीचे पाइपा है पूरे 3-3, 4-4 फीट के बड़े बड़े पाइप है, 3 पाइप है उसके अंदर, पानी जाने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। इससे पहले जो मुख्तसर पानी आता था अब बहुत पानी आया, पूरा घर डूबिया से हमारा कमर तक पाइपा से और मशीन से और बकेटों से पूरा। मेरी माँ की भी तबीयत खराब है, उनको बुखार है और ये जो पानी आ रहा है उसमें पूरे लोगों की पूरी फैमिली की तबीयत खराब हो रही है मेरी। इसमें ये आज़ादपुर रोड पे जो नया ब्रिज बन रहा है, बनते वक्त ही हम लोग इस पर कंप्लेंट किए थे कि ये टेक्निकली सही नहीं बन रहा है, इतना पैसा आने के बाद बजट आने के बाद उसको सही यूज़ करो।
तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे यहाँ पे विजिट करते थे, हमारी बात सुन के ठीक है बोल के चले जाते थे। फिर भी मैं प्रेशर डाल के रोक के जो बेड हाइट करे थे वो बेड को फोड़ने भी लगा, एक फीट तक फोड़ने के बाद भी यहाँ पे एक दो पाइप है जो ब्रिज के अंदर से पाइप क्रॉस हुए हैं, जो भी पानी ऊपर से आता है रास्ता नहीं है, एक एक फीट का रास्ता है, बड़ा पाइप है, पाइप की वजह से दोनों तरफ कचरा आके पूरा पानी बैक मारता है। ये टेक्निकल फॉल्ट में बताने के बावजूद भी वो लोग ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ तो देखेंगे बोल के हम लोगों को बोल के चले गए। लेकिन आज 8 ही दिन में ये मालूम हुआ है कि पीछे पूरे घरों में पानी चला गया था। तो ऑफिसर्स ये पढ़ कर आते हैं ये क्या करते हैं समझ में नहीं आता। हम लोग एक आम आदमी है उनको बता रहे टेक्निकल कहाँ फॉल्ट है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इतनी तकलीफ जो घरों में पानी गया, एक एक फीट दस दस फीट पानी था सबके घरों में, और आप शायद दूसरे विजुअल्स में देखेंगे तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। फौरन फॉल्ट को क्लियर किया जाए वरना आने वाले दिनों में फिर लोगों के घरों में पानी जाता। 40-40 लाख रुपए बजट सेंक्शन कर रहे हैं मगर जीव का तू प्रॉब्लम रह रहा है तो क्या फायदा है चीजों का। जिस तरह से आप गलती बता रहे हैं इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देखा गया, यहाँ पर आकर जो है ना इस काम का इनॉग्रेशन इफ्तिताह लोगों ने किया था तो उनको आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो बजट लाए, आप जब बजट लाते हैं तो उसके फॉलो कर रहे हैं पूरा एंड तक। और टेक्निकल फॉल्ट क्या हो रहे हैं उन्हें क्या करते हैं वो तो अपने जो चेले रहते हैं चेलों को आगे करते हैं, वो चेले जैसा उनको बताते हैं बस उन्हें उनके उस पर ही चलते रहते हैं, मगर एक्चुअल टेक्निकल फॉल्ट जो होता है वो प्रॉब्लम नहीं बताते वहाँ पे, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे टाइम पर परेशान हो के लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। और मैं मैडम से जो कनिष फातिमा मैडम है मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो आजादपुर रोड पर आए फिर से एक बार, जो कलवट के लिए आप जो बजट लाए हैं उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं है आप देखें, यहाँ रहने वालों को पूछे कि क्या 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 प्रॉब्लम है लाने के बाद क्लियर हुआ है नहीं है। अभी तक हमारे हमें पूछे तो जो भी प्रॉब्लम था अभी क्लियर नहीं हुआ है, प्रॉब्लम जैसे वैसा है, अभी भी टेक्निकल फॉल्ट है। नीचे दो पाइप है जो क्रॉस हुए हैं नाली में से, वो जब तक नहीं निकलेगा वो पानी लोगों के घरों में घुसता ही रहेगा।